हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पलीफायर का सेंसिटिविटी क्या होता है। तो आप देखे होंगे कि प्रोफेशनल एम्पलीफायर के पीछे में एक स्विच होता है, तो वहां पे लिखा हुआ रहता है कि 0.7 वोल्ट, 1 वोल्ट और 1.4 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है? तो 0.7 या फिर 1 वोल्ट या 1.4 वोल्ट ये एक्चुअल में होता है इनपुट का पीक टू पीक जो वोल्टेज होता है उसका सिग्नल। हम इनपुट पर एसी सिग्नल भेजते हैं तो उसका पीक टू पीक जो वोल्टेज होगा 0.7 से लेकर 1.4 वोल्ट तक होना चाहिए। तो यहाँ पे लोएस्ट यहाँ पे 0.7 पर अगर देंगे तो हमारा आउटपुट जो भी है वो कोई भी डाउन नहीं मिलेगा। अगर उससे भी कम देंगे तो आपका आउटपुट का साउंड कम मिलेगा। अगर हम वही चीज 1.4 वोल्ट पर रखेंगे तो यहाँ पे आपका ज्यादा इनपुट देना होगा, जैसा कि 0.7 से लगभग द्विगुना यहाँ पे इनपुट सिग्नल देना होगा, तभी हम आउटपुट से जितना हमारा एम्पलीफायर का आउटपुट पावर है वो हमको मिलेगा। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग यहाँ पे 0.7 पर ही रखते हैं और यहाँ पे आपका आउटपुट जो कंट्रोल होता है वॉल्यूम कंट्रोल, तो उसको कंट्रोल करके हमारा आउटपुट का कंट्रोल कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रोफेशनल एम्पलीफायर के अंदर उसका जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो आधे से नीचे ही रहता है और पीछे का जो स्विच है हाई सेंसिटिविटी पर रखते हैं। तो अगर हम वहाँ पे मिडिल पर रखेंगे तो यहाँ पे आधे से ज्यादा आपको वॉल्यूम देके ही आप जितना आउटपुट पहले पाते थे उतना ही पा सकते हो। तो सेंसिटिविटी का कुछ खास काम नहीं है, ज्यादातर लोग उसको हाई सेंसिटिविटी पर ही रखते हैं। तो हम यहाँ पे मैन्युअली जो सामने में वॉल्यूम होता है उससे ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज्यादातर एम्पलीफायर के अंदर ऐसा ही सेटिंग रहता है। तो आप नीचे कमेंट पर बताना कि आप क्या करते हो, आपका सेटिंग कहाँ पर रहता है। तो मैंने जितना भी देखा है 0.7 पर ही ज्यादातर रखता है, वहाँ पे आपका आउटपुट का जो भी है वो हाई सेंसिटिव पर रहता है, तो यहाँ पे आउटपुट का कोई कमी नहीं मिलता। तो आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि सेंसिटिविटी क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो। तो ज्यादा सेंसिटिविटी का कुछ खास काम नहीं है, सिर्फ आपका इनपुट का सिग्नल कुछ वॉल्यूम के जैसा ही काम करता है, कुछ यहाँ पे खास काम नहीं है। बस यही था वीडियो में। तो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।